चंदन हो रहे बसे जो चंदन बंस। भाई वीर सिंह जी डॉक्टर उन्होंने कारखाने जिथे छापाखाना से दो बंदे काम करते, एक का नाम धनी राम से दूजे का शरद सी। और बाबा दीप सिंह ने बाबा वीर सिंह ने वो शेर लिखते थे छापते। भाई वीर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होए ने, ब्रह्म ज्ञानी होए ने, जिन्हां दी लिखता अज असी सारे पढ़ के ते सुख माणदे हैं, शांति आउंदी है। उहदे लागे रहण नाल शर्फ भी महान हो गया ते धनी राम चातरक भी महान हो। जिथे रहते उत्थों कुछ सीख लो, तुहाडी महानता वध जाएगी। बाबा दीप सिंह ने अमृत छकिया है जिस साल पंजा प्यारिया छकिया, उस तो अगले साल 1699 नहीं 1700। एक नोट करा मैं गल तुहानू, बाबा दीप सिंह तो पहला कलगी वाले पातशाह ने पंजा प्यारे को अमृत आप छकाए, आप तैयार किया। ते फिर उन्होंने पंजा सारिया जिम्मेवारियां ते ताकतां दे दित्तियां, आप गुरु ने पंजा प्यारियां तो अमृत छकिया। वह अवतार सन, वह गुरु सन, उन्होंने क्यों अमृत छकिया सवाल उठता। मित्रों, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कौम को साजन लगे एक महत्ता विखाई है। उन्होंने पंजा प्यारियां दी इज्जत विच, शान विच, मान विच इतना वाधा किया कि पंजा प्यारियां दा पहला सिख गुरु गोबिंद सिंह है। गतकथ सतनाम श्री पंजा प्यारियां दी कितनी वडियाई है। अज साडे कोल पंज प्यारे आते सी जानते नहीं कितनी महानता है उन्होंने कि कलगी वाला पातशाह हाथ जोड़ के उन्होंने तो अमृत मांग रहे। अमृत मैनू भी दियो गुरु खालसा जी। गोविंद आख्या पंजा प्यारे, जरा विचार तो सुनिए। अमृत मैनू भी दियो गुरु खालसा जी, गोविंद आख्या पंजा जी प्यारे, अमृत के बदले शीश देते। मैं वादा करता मेरे ते यकीन करो, मैं इस अमृत की शान इसका मुल सरबंस वार के देवांगा। सरबंस इतना महंगा है अमृत, कितने धरतियां महंगी,
कितने पदार्थ हैं। सरहद की छोटी जी धरती जिस थमां गुजरी साहबजादियों का गुरुद्वारा है ज्योति स्वरूप संसार विच सब तो महंगी दुनिया भर में इतनी धरती कोई महंगी जदों थोड़े जे रुपया का पिंड मुल आ जाता सी उस वक्त उस धरती उत्ते सोना खड़े रुखी इंच इंच उच्चा सोना रख के साहबजादियां ते मां गुजरी के संस्कार लई थां ले गई थोड़ी जी थां अरबां दियां मोहरां गईआं इसलिए कीमती है इसलिए भी कीमती है क्योंकि मां और शहीद साहबजादियां का संस्कार होया है। लेकिन मैं पक्षों जो लोग गरीब सन उन्होंने तीन मड़ियां बनाने लई मोहरां तारनियां पईआं पिछे जे असी अंदाजा लवाया सी उदों सोना जे 3,000 नूं होया सी 5 अरब रुपये का थां बनता सी मड़ी जिन्ना थां 5 अरब का श्रोमणी कमेटी ने रौड़ा साहब ने लवाया सी अंदाजा उसका भी कितना हो सकता है फीतियां ना मिल के एक मोहर सोने की एक तोले की उच्ची किन्ना थां देंदी कोई सेंटीमीटर इस तरह करके लवाया गया सी। पदार्थ अमृत संसार में सब तो महंगा अमृत अंतली गल नहीं ये तो दाखला है सिखी विच पैर धरन दा मुढ़ला स्थान है पढ़ाई इस तो अगे शुरू होती है। बाबा दीप सिंह जी ने अमृत छकिया अगले साल पंजा प्यारे गुरु गोबिंद सिंह ने केवल पंजा प्यारे नू ही अमृत छकाया इस तो बाद जिन्ना भी अमृत संचार होया पंज प्यारे ने भावें गुरु गोबिंद सिंह का महत्व है भावें लोग उन्होंने चरणी हाथ लाते हैं लेकिन गुरु गोबिंद सिंह आप भी पंजा प्यारे के हुक्म चलिया ये लोकतंत्री का सब तो पहला महापुरख है जिन्हें बहुत संमति का माण किया अज दुनिया के लोग असी 99 में मनाया 300 साल खालसा पंथ का इतिहासक दिहाड़ा दुनिया के लोगों ने आ कि शाह ने बादशाह राष्ट्रपतियों ने उत्थे आ सिर चुकाया कि अज असी जाने कि लोकतंत्री का मुढ़ आनंदपुर है गज के आखो सतना कोई प्लेटो कहना जर्मन का फिलासफर हो अच्छा आदमी एक नो तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाउण तो 70 साल बाद जमे जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह ने ज्योति जोत समाउण तो भी 70 साल बाद जमदा वह मोहरी नहीं हो सकता लोकतंत्री का मोढ़ी गुरु गोबिंद सिंह बाबा दीप सिंह जी ने कुछ सेवा की थी वो नगर में चले सेवा का मन हो हाथों ही मनुख सेवा कर सकता वो आगर उगराइया होंगे सिख अपना दसवंध लेंगे नगर के लोग घोड़े खरीदते हैं असी युद्ध दिया गल कर लें वीरो कि बह के कल्ले बह के झाती तो मारियो तो फिर पुछो गुरु गोबिंद सिंह तो तू इन्हें युद्ध लड़े किस कोई राजधानी नहीं कोई कारखाने नहीं कोई स्पैशल तनखाहदार फौज नहीं जंग हिंदुस्तान के बादशाह एक दिन नहीं 2 दिन नहीं लगातार 22 साल तलवार चल वो 19 साल के सन जिस दिन उन्होंने पहला युद्ध पंगाणी का किया इस तो लैके 45 साल सबों का उम्र भोगी तो केवल मगरले 2 बरे ही उन्होंने अमन दे मिले बाकी सारा समा वो युद्ध के मैदान में रहे कितने महान ने सड़े उन्होंने तलवार म्यार में नहीं पीती लेकिन कलम भी सपट चलती उन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे बड़े ग्रंथ लिखवाए आनंदपुर छकन का जो बहुत वड्डा दुख होया वो गुरु जी ने मुख सर विच बयान किया उन्हें कहा महाशया यह 2 पोटे कागज तेरा मैं रखिया होया मैं बहुत कुछ गवा आया शहादत तो सदा अमर ने पर विद्याधर ग्रंथ गुआचण का मेरे दिल उत्ते गहरा सी उन्होंने लखां रुपये कवियों को दिते सन उपरा नाम हिंदी का कवि इसनों संस्कृति का नाम कह दें ऋषि जिहड़े रिसर्च करन वाले लोग वो भी कवि सन ऋषि कोई ऐसी चीज़ नहीं भी होर तरह का होगा कवि सी वाल्मीकि ऋषि है उसने रामायण लिखी
गौतम ऋषि है उसने वेद लिखे, इस तरह ऋषिया ने लिखिया, रिसर्चा की। और गुरु गोबिंद सिंह ने उन महापुरखों को वे ग्रंथ लिखाए सन जो लिख ले गुआ चुके सब सब जरूर गए वह नहीं जरूर गए। मैं भी समझदा अजो ग्रंथ साढ़े कोल होंगे साढ़े बच्चों आ जो अंग्रेजी के शब्द ने एटलस करके जाना पीता बाहर वो सारे लोग दुनिया के लोग साढ़े को पढ़न आते जो साढ़े को विद्या गुरु की दिती होंगी बहुत गुआचा है। जो बाबा दीप सिंह जी इन दिनों में पिंड सन चमकौर आनंदपुर सरसा इन जुदा में बाबा दीप सिंह ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मैं दस रहा कि उन्होंने कोई मामूली सेवा नहीं सी। वो घोड़े कट्ठे करते सन शस्त्र बनाते सन मेघा बाड़ी खालड़े के लागे एक वड्डा नगर है जिथे पंजा प्यारे अमृत छकाने लई लोहे का सरबलोह का बाटा खंडा जिहड़ा इस पिंड विचों बन के गया अज भी उत्थे लोग सियाने हैगे। और इहोजे पिंडां विच हथियारां दीआं टकसालां जिहड़ियां सिरां ते चुक चुक के घोड़ियां ते लद लद के तुहानूं पता लड़ाई तां तुसीं जट हो सारे 751 दी मार नहीं हुंदी जिथे रोज ही लड़ाइयां होण हथियार चुकदे ने हथियार चाहिए घोड़े मरदे ने घोड़े चाहिए मनुख मरदे ने मनुख चाहिए पैसा उगड़दा पैसा चाहिए लड़ाइयां कोई सखाली गल नहीं। ये महापुरख बाबे दीप सिंह वर्गे लोग सन पिंडा विच जिहड़े ये सारा सरमाया ते जवानां नूं इकट्ठा करके उत्थे भेज दिंदे सन बड़ी वड्डी कुरबानी जदों तो तुरिया तुरिया ही ते आखिर दमदमे उस नूं जथेदारी दे दित्ती। दमदमे तो पहला जदों सतगुरु जी उत्थे पहुंचे डल्ले ने एक सवाल किया मां जी का सवाल सी माता सुंदरी जी दिल्ली तो आ गए भाई मनी सिंह उन्होंने नाल से उन्होंने दरबार में वेख्या मेरा जीत नहीं दिसदा मेरा जुजार नहीं दिसदा जोरावर नहीं दिसदा फतेह सिंह नहीं दिसदा। बाबा दीप सिंह जी कोल बैठे सन इतना विराग है दम दमे विच वेख के दम कला माता पुछदी मेरा जुजार कि जोरावर कितने फतेह सिंह कितने शाही दलों का जोरावर ते कितने अजीत मेरा शाही दलों का फतेह शिंगार कितने मैं चाहो चो नजर नहीं कहूँगा गए हुए ने दसो चार कितने दसो नहीं आखिया दस आखिया करजा जिन्हें लेना होंदा है उसका बोलना कुछ सख्त होंदा है गतके को सतनाम छे बच्चों उत्ते मां का अधिकार मां की पैदाइश है मां का हक है पुछना कि मेरी कित्थे उन्होंने कोई बुरा नहीं किया मां जानती है कि उसने बच्चे ने जमया निमया पालिया किन्ना कठिनाइया भी इसकी मां लंघी ये मां भी पता इसलिए मां का दिल पुत्र की धड़कन चलता उसके बोलन चलता मां मरे परदेश का मामला है तुम उन्होंने आए विसार कि है मैं मर जा मेरे पुत कितने नहीं ये शब्द कोई ऐसा नहीं जरा अनोखा कह दिता यह स्वाभाविक है। मां ने पूछ जो पूछ रही थी मां उसने भी अथरू जा रहे थे बाबा दीप सिंह का दिल भी इस तरह ही भाई मनी सिंह का भी इस तरह ही सारी संगत का इस तरह डल्ले ने सुन के डल्ले ने नेत्री नीर आई हंजू टुट टिके मोती हार दी कहिंदा गुरु जी पेंदे ना कष्ट च ने जेकर दास नूं उदों मंगा दे पानी आ गया अखां च कहिंदा सतगुरु ऐ विलाप नाम सुनना पैंदा जे किते मैनूं मंगार लैंदे मेरे को 500 जवान है हाजूर ने परखिया ते परख विच डल्ला कमजोर निकला है। नोट करना पुत्रां दा प्यार मां सुंदरी जी का एक साहबजादा बाबा अजीत सिंह दूजे तिने साहबजादे माता जीतो जी के बेटे पर गुरु घर में अजिहा नहीं जीतो जी चढ़ाई कर गए ने हम सारे ने सौंपना था सुंदरी जी मेरी चार हजूर ने कहा इन पुत्रन के शीस पै वार दिए सुत चार चार हुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार
सुंदरी ये सब तेरे पुत्र धरवास दिता बैठ। माता जी ने कहा पातशाह तुसी जो किया मैं दसो होया कि फिर कथा चल पी साहबजादे गुरु गोबिंद सिंह दस रहा कि जो चमकौर के युद्ध में तेरा पुत्र लड़िया उन्हें हजारा जालमान खत्म किया पोटा पोटा होकर शहीद हो तेरा छोटा जुदार वो आप आया चल उसने आग्ञा मंगी कि नियम है युद्ध का आग्ञा दे मैं उसको हस के आग्ञा दे गुरु जी सुनाते सन लोग हंजू कीरते सन जज्बात आता सी कि मैं शाही गर्क कर दिया बाबा दीप सिंह के दिल में जज्बात आता कि बादशाह कदे भी तू सब कुछ ना कह उसके दिल का विचार सी वो बादशाह जिहड़ा तुहाडे वास्ते तुश है वो तुहाथों डरिया ना तुसी तां धरती पुठी कर सकते। ऐसा जिक्र जो बच्चा आता सी महान लोगों भी इन्हें सारे टिकते वेखे राम का बाप मैं तो छाल मार के मर गया। मैं रामायण का जिक्र कर रहा सर गुरु गोबिंद सिंह ने रामायण लिखी उसका नाम है रामा अवतार। हनुमान ने जो नाटक लिखा बड़ा स्वाद है छोटा जहा उसको गुरु जी अपने कमर कस्से च रखते सन। शहर छोटिया छोटिया गल् बड़िया प्यारिया शहर बड़े महत्वपूर्ण होंगे। हनुमान लिखता है कि जो राम का राम का सारा टब्बर मारिया गया तो अंतले समय तो आप उठे उन्हें गिरजा गिदड़ा सदे कवि का विचार है सदना का क्यों सी हनुमान कहता उन्हें सद के आख्या कि मेनू हम साड़न वाला कोई नहीं रह गया मैं आखिर पंडित हाँ तो मेरी चिंता मैं सीता के वास्ते मरूंगा जे मेरे च गुनाह होंदा गिदड़ो मेरे च कोई पाप हुंदा किधरों मैं कोई सीता नूं हरण तो बाद उसकी बेपती की हुंदी ते मेरा परिवार मेरे पुत्र मेरिया धीआं मेरे लिए नहीं सी मरदी। उन्होंने मेरी भैन का नक् वड्डिया सी मैं मुकाबले च उन्हां दा नक् वड्डिया पंजाबी च नक् इहनूं वी वड्डिया जांदे आ गद के खो सतनाम सी ओह कहिंदा जंबक गिरजन सिउ कहो रावण। हनुमान जी लिखदे जंबक गिरजन सिंह कहो रावण मेरी बेनती सुन लो भाई जाए रनुवाद सिया के ऊम आकाश बले बन रही मैं धरती ते समान एक कर देंगा अग ला देंगा धरती ते समान इहो जिहा युद्ध करांगा जिहड़ा होया ही ना हो जाए रनुवाद सिया के ऊम आकाश बले बन रही जूझ मरू सुन लो मेरे बीच मैं तुम्हें तो निश्चय दवाया कि मैं लड़ता हुआ मरदा पिछे नहीं हटांगा क्योंकि मेरी ताकत थोड़ी नहीं कि मरांगा जूझ मरू सुन लो मेरे बीच निश्चय कर मेरा मास है कहियो राम की और निशांग को कसीट के लंक की और न दे वो कहता मेरा मास खा के जो पटारी मारो चीलो उदो लंका नहीं आना जो राम बैठा उधर जे तुसी मेरा मास खरीस के लंका कह मेरे मरे हुए की विपत्त ले जाएगी गतकर खुश सतनाम श्री राम ने दो जंग किए रावण वाला जंग उस राम की सच्चाई सीता का कोई गुनाह नहीं उस राम जीते राम ने एक जंग फिर सीता के पुत्रां नाल की वो पंजाब अमृतसर ते लाहौर के विचाले हुए उस विच राम हारे। वीरो अवतार होवे या सधारण बंदा जिहदे कोल सच्चाई है जित उसकी हुंदी है जिहदे कोल सच्चाई नहीं वो जित के भी हार जांदा बहुत कुछ दसन जी करता है समा सीमित है। मैं कहता ही रहा सी गुरु जी सुना रहे सन इतिहास के जिक्र विच पुत्रां दी मौत तो बाद इस तरह दिलावरी दीआं गल्लां करनियां यह केवल गुरु गोबिंद सिंह के हिस्से है संसार च होर कोई नहीं। फोल फोल के